गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मे यू ऑल आर फाइन। टुडेज आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास थर्ड। इन योर मैथमेटिक्स द टॉपिक आर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। Do you know the meaning of place value and face value? See, place value and face value. So, place value means स्थानीय मान, okay? And face value means अंकित मान, okay? What? अंकित मान। यू कैन सी प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान एंड फेस वैल्यू मीन्स अंकित मान। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ईच डिजिट ऑफ अ नंबर हैज अ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू। हर एक जो नंबर होता है, संख्या होता है, उसके जो प्रत्येक डिजिट मीन्स अंक होते हैं, उनका प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू होता है। ओके, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर, एक संख्या में जितने भी डिजिट्स होते हैं उनके प्लेस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर। उस संख्या में स्थान के ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब किसी संख्या के जो अंक होते हैं वो उस संख्या के प्लेस के ऊपर निर्भर होते हैं, आधारित होते हैं। ओके, हाउ? सी, इफ वी हैव अ नंबर लाइक 36, अगर हमारे पास 36 एक नंबर है जिसमें 6 इज एट द वंस प्लेस एंड 3 एट द टेंस प्लेस। इसमें 3 हैज द वैल्यू ऑफ 30। हाउ? 3 विल मल्टीप्लाई बाय 10 गिव्स 30, बिकॉज 3 इज एट द प्लेस ऑफ टेंस एंड 10 हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 10। जो टेंस प्लेस है उसका वैल्यू कितना होता है? 10। और ये टेंस प्लेस पे क्या है? 3। तो 3 में उस प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30। ओके, सो ये जो प्लेस वैल्यू हुआ वो इस प्लेस के ऊपर डिपेंड है। किस प्लेस पे? टेंस के प्लेस पर। ओके, नाउ द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, ओके, इज द सेम एज डिजिट इटसेल्फ। जो फेस वैल्यू है किसी डिजिट का वो सेम एज द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट होगा वो स्वयं में उसी के बराबर होता है। जैसे आई टेक 56, 56 में 6 एट द वंस प्लेस एंड 5 एट द टेंस प्लेस। सो व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? 5 into 10, what? 50, but when we remove the place, जब हम प्लेस को नज़रअंदाज करते हैं, हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ओनली एंड ओनली 5, ओके? सो दिस 5 इज फेस वैल्यू, ओके? मीन्स ऐसी वैल्यू जो पोजिशन के ऊपर डिपेंड ना करती हो उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ओके, ना See, look at the places of a 4-digit numbers. चलिए 4-digit place number के places को देखते हैं। Ones have the value of 1 and when we multiply it by 10, we get tens place. Okay, again when we multiply tens by 10, we get 100, means 100 place. And again when 10 multiply by 100, so gives us thousands, okay? So it will 1000 place, okay?
So now let's move further here. Let us understand it by taking some examples. हम इस place values को समझने के लिए हम examples लेते हैं. Okay? See here. ये numbers हैं. ये numbers on place value chart है. Place value chart में ones, tens, hundred and thousands होते हैं. ठीक है, और भी इधर places होते हैं. ठीक है. Now here see place value. इस number में ये जो सर्कल किया हुआ कलर किया हुआ 4 है इसकी वैल्यू क्या होगी. वंस प्लेस के चार्ट में देखिए 4 है तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी 4 वंस होगी. क्यों? क्योंकि ये वंस प्लेस पर है. व्हाई? बिकॉज इट द एट द प्लेस ऑफ वंस सो इट विल गेट द मल्टीप्लाई ऑफ 1 ऑलवेज. सो एंड व्हाट विल बी द फेस वैल्यू? इट रिमेंस ओनली 4 because face value do not depend on what place. Okay, now come to second. Here is 7123. So one is circled here. यहाँ पे one को क्या किया गया है? गोला किया गया, circle किया गया है. इसको हम place value chart में check करते हैं तो किस place पे आता है? 100. So 100 में देखा जाए 100 place value का value क्या होता है? 100. So one have the place value of 100. इसका वैल्यू कितना होता है? 100. लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 1. क्यों? Why? Because it do not depend on place value. Okay? ये place के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. इसकी वैल्यू itself होती है. खुद की इसकी अपनी वैल्यू होती है. ठीक है? Like that, here is another examples are given. Okay? Now, move to next page. See on this page here again an example. Find the place value of all the digits in 2538. Okay, हमें 2538 में place value find out करना है. ठीक है, so let's begin. 8 is the place of ones. So 8 is 8 ones means 8. And 10's place is here 3. So 3 is 3 tens means 3 will multiply by what? 10. It will this will give us 30. Okay. Now 5 is at the place of 100. So 5 is give us what? 500. How? 5 will multiply by 100. So it will give 500. And again 2 at the place of 1000. So 2 will give us 2000. How? 2 into 1000 give us 2000. Okay, so now move expanded form and short form. Do you know the meaning of expanded form? Expanded form means vistrit roop and short form means sankshipt roop. Okay, good. Now see, when we write a number, जब हम एक संख्या को लिखते हैं, as the sum of the place values, मतलब उनके स्थानीय मानों के योग के रूप में, of the digits of the number, संख्या के अंकों के स्थानीय मानों को जब हम जोड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? Expanded form. Okay, see in this example, write the expanded and short forms of. यहाँ पर हमें expanded form लिखना है और short form भी लिखना है. तो let's see. This is a number. ये हमें number दिया हुआ है 9378. So how we write in expanded form? See. Eight have the value 8 and 7 has the of 70. And 3 is the of 300 and 9 is the of 9000s. Okay, so what these are? These are the place value of what? This number. Okay, so this is known as what? Expanded form. You can also do it like this. 9, 3, 7, 8.
So write down 8, 70, 300, 9000. Then after, add all these, okay? Then you will get expanded form. उसके बाद आप आराम से जब इन सभी को प्लेस वैल्यू निकाल कर एड अप कर देंगे तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म प्राप्त कर लेंगे. ओके, देन आफ्टर हाउ यू राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यू जस्ट कंप्लीट दिस एडिशन. जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे एडिशन को तो आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म. जैसे इन्हीं को अगर हमें ऐड करना हो तो क्या मिल जाएगा, 9378. ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सी 4375. सो हाउ वी डू इट, जस्ट राइट डाउन इट्स अ व्हाट प्लेस वैल्यू. सो 5 इज 5 एंड 7 आर 70 एंड 3 इज इक्वल टू 300, 4 इक्वल टू 4000. एंड नाउ यू जस्ट राइट डाउन इन दिस फॉर्म, इन दिस, इन लोगों, इन सभी नंबर्स को इस रूप में लिख लें. ओके, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म. अब इन्हीं को ऐड अप कर दूँ, इन सभी को ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 4375. तो इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म. ओके, गुड. सो लेट्स सी योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1B. सी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट 1 हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, इनका आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना. देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में 5 इज अंडरलाइन, 5 को क्या किया गया, अंडरलाइन. सो राइट डाउन इट्स प्लेस वैल्यू. सो व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, हियर शुड जस्ट राइट 5. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर, हियर इज 8227. So 8 is underlined. So what will be the place value of 8? 8000s. Okay, like this we will do remaining one. Okay, now move to next page. On next page, see question number second. Write the place values of each digit. ठीक है, यहाँ पे जितने भी digits दिए हैं इन सभी के हमें इन boxes में इनके place values को write down करना है. So you can do. Good. Now move to next question. Question number 3. Write the expanded form. Can you write the expanded form? Yes, you can do. One is done for you. See, A is done for you. 8 at the place of thousands. 3 at the place of 100. 2 at the place of tens. And 7 at the place of ones. So 8000 plus 300 plus 20 plus 7. Like this, you do all these. Okay. Now, come to question number 4. In question number 4, encircle the correct numeral. ठीक है, यहाँ पे आपको जो नंबर दिए हैं इनको एड अप करके, यहाँ आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा उसको ऐसे आप क्या करेंगे, इनसर्कल करेंगे, मतलब गोला करेंगे. ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1B यू मस्ट डू योर कॉपी. ओके, इट्स योर होमवर्क. ओके, फॉर टुडे ओनली अप टू दिस, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय बाय, टेक केयर.